हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवा के विषय में, जिसका नाम है जेलसेमियम। इसका पूरा नाम है जेलसेमियम सिंपल वायरस और इसका कॉमन नेम है एलो जैस्मिन। इसको जो है किस बीमारी में, किस पोटेंसी में और कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो है हम कोई दवाई बताने के पहले सबसे पहले आई सिम्टम पर बोलते हैं, क्योंकि आई ही हमारी जान है। तो इसका जो आई का सिम्टम है ये है कि जो है आपको जो है धुंधला दिखाई देगा। चश्मा लगाने पर भी आपको जो है चश्मा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे परेशानी में आपको जेलसेमियम 30 खाना चाहिए। जेलसेमियम 30 चाहे 4 मिनट करके सुबह शाम करके कुछ दिन खा लीजिए, आपकी आई साइट ठीक हो जाएगी, आपका धुंधलापन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो है इसका आँख पर एक और सिम्टम है कि आपको जो दो चीज़ दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं डिप्लोबिया। तो आपको दो चीज़ दिखाई देती है ऐसे सिम्टम में, आप जो है आप जेलसेमियम 200 खाली 4 बूंद करके हफ्ता में, इस केस में हफ्ता में एक बार ले लीजिए। तो आपको जो है कुछ दिन के बाद में आपकी आँख नॉर्मल हो जाएगी, आपको जो है दो की जगह आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, मेन सिम्टम इसका जो है गाइडिंग सिम्टम, जिसके ऊपर आप जो है पूरा जेलसेमियम टिका हुआ है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग। डलनेस माने जो है सुस्ती रहती है, डिजीनेस माने जो है एकदम आँख बंद किए रहता है कि हमेशा नहीं जाती है, ड्राउजीनेस माने आप समझते हैं सुस्ती रहता है, और उसके साथ में ट्रेम्बलिंग रहेगा, हाथ पांव जो है आपका कांपेगा, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरह नहीं कांपेगा कि अपने आप बैलेंस हमेशा बनाए रखेगा, नहीं गिर जाएगा, एकदम अनबैलेंस रहता है। तो इसमें खाली ट्रेम्बलिंग रहती है, चाहे जीभ की ट्रेम्बलिंग हो और चाहे हाथ पांव की ट्रेम्बलिंग हो। जेलसेमियम के पेशेंट हैं सब, तो उनको जो जेलसेमियम सुबह शाम करके कुछ दिन तक दे दीजिए, तो उनकी जो डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और ट्रेम्बलिंग जो भी है ठीक हो जाएगी। और अगर सिर्फ खाली ट्रेम्बलिंग ही है और सब चीज़ ठीक है, सुस्ती नहीं है, तो ट्रेम्बलिंग खाली है, तब पर भी आप जो है जेलसेमियम 200 हफ्ते में एक बार करके या दो बार करके दे दीजिए। उसके बाद जब आराम हो जाए तब उसके बाद हफ्ता में एक बार रेगुलर दीजिए, तो आपका जो ट्रेम्बलिंग ठीक हो जाएगा और डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस ये भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है पैरालिसिस पर, इसमें आपके हाथ में लगवा हुआ है चाहे पाँव में लगवा हुआ है, आप जेलसेमियम से चालू कीजिए, जेलसेमियम 30 पावर की इसमें दीजिए, क्योंकि पैरालिसिस केस में 30 पावर काम करता है। जेलसेमियम 30 जो है 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन दीजिए, तो आपका जो है पैरालिसिस आपका आस्ते आस्ते आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा इसका अगला सिम्टम है मेंटल पर, जो है इसका भी पेशेंट जो है अकेले रहने से डरता है, वो चाहता है कि जो है हमसे कोई बात नहीं करे, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि कमरा में कोई रहे, किसी से बात नहीं करना चाहता, समाज में मिलना नहीं चाहता, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहता। ऐसे पेशेंट को आप जेलसेमियम 200 हफ्ते में दो बार करके 4-4 बूंद दे दीजिए, तो आपका जो है बच्चा फ्री हो जाएगा, वो भीड़ भाड़ एरिया में जाने लगेगा, और जो अकेले रहने से डरता है उसका डर भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है हेडेक पर। जेलसेमियम का हेडेक क्या होता है कि आपको हेडेक होगा, हेडेक के पहले आपको आँख से कम दिखाई देने लगेगा, उसके बाद में आपको हेडेक हो जाएगा, और उसके बाद में जो है पेशाब ज्यादा होगा, तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के हेडेक में आप जेलसेमियम 30 जो है दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन दे लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम गले पर है। गले में हम कुछ खाते हैं तो गले में तकलीफ होती है, खाना हुआ चाहे पानी हुआ जब खाते हैं तो वो जो है कुछ मुंह से निकल जाता है और कुछ नाक से भी निकल जाता है, तो ये सब क्या होता है, ये आपके गले की जो मसल्स है ये जो है काम नहीं करना बंद कर देती है, खाना आपका जो है मुंह से निकल जाएगा। आपका एक यूनिक सिम्टम है कि खाना जो है नाक से भी निकल जाता है, हालांकि बहुत रेयर केस में होता है पैरालिसिस केस में। तो अगर ऐसा सिम्टम मिले कि नाक से भी खाना निकल जाए, तो आप जेलसेमियम 30 पावर की दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके लगातार कुछ दिन दे दीजिए, ये प्रॉब्लम जो है आपकी ठीक हो जाएगी और पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है हार्ट पर। हार्ट पर इसका एक यूनिक सिम्टम है, आप बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा हार्ट बंद हो जाएगा, आपको मजबूर होकर चलना पड़ता है, और चलने फिरने से आपका जो है आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको अंदर एक फीलिंग होगा ये कि बैठने से हमारा हार्ट बंद हो जाएगा। तो ऐसा सिम्टम कभी कभी हार्ट में रहता है, तो अगर ऐसा सिम्टम कभी आपको मिले या किसी आपके अगल बगल पेशेंट में मिले, जेलसेमियम 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार, 1 महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए, आस्ते आस्ते ये जो है पेशेंट का जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, वो अंदर में चाहे वाल्व खराब हो चाहे ब्लॉकेज हो, अगर ये सिम्टम है कि बैठने से तकलीफ होती है, सफोकेशन होता है, लेकिन चलते फिरते रहने से आराम हो जाता है, ऐसा सिम्टम है, तो आप जेलसेमियम 30 दिन में 3 बार लगातार दीजिए कुछ दिन तक, तो जो है हार्ट का ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगला सिम्टम है डायरिया पर, स्टमक पर। तो ये नर्वस डायरिया होता है ड्यू टू एक्साइटमेंट, आपको हो गया अचानक कोई चीज़, अचानक समझ में एक्साइटमेंट हो गया, फ्राइट
हो गया, आप डर गए या कोई बैड न्यूज़ सुन लिए, कोई ख़राब न्यूज़ सुन लिए, अब आपको जो डायरिया हो गया इसको नर्वस डायरिया बोलते हैं। तो अगर ऐसे किसी पेशेंट में नर्वस डायरिया हो, एक्साइटमेंट से हो, फ्राइड से हो या बैड न्यूज़ से हो, तो आप जो जेलसेमियम 30 पावर की जो है दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन दे लीजिए, तो आपका जो नर्वस डायरिया होता है जो है इमोशनल से कोई खबर सुने तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है हेडेक पर, मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है हेडेक का सिम्टम जो है हर मेडिसिन में नहीं है, ये बहुत यूनिक सिम्टम है कि आपका हेडेक कैसा भी रहे, अगर आपका हेडेक जो है आप पेशाब करने गए, पेशाब करने के बाद में आपका हेडेक अपने आप जो है 75% आपका हेडेक ठीक हो गया तो आप जेलसेमियम के रोगी हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है जेलसेमियम 200 हफ्ता में 2 बार करके 4 बूंद करके दे दीजिए, अगर हेडेक का ये सिम्टम है अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है फीवर पर, इसके फीवर का एक यूनिक सिम्टम है कि फीवर चाहे इंटरमिटेंट हो, माने फीवर चाहे मलेरिया का फीवर हो, चाहे डेंगू का फीवर हो, चाहे चिकनगुनिया का फीवर हो, चाहे टाइफाइड का फीवर हो, कोई फीवर हो, अगर कोई फीवर जो है इंटरमिटेंट करता है माने 24 घंटा के अंदर में एक बार नॉर्मल लाइन टेस्ट कर देता है सिम्टम कुछ भी हो, तो आप जो है जेलसेमियम 30 पावर की देना चालू कर दीजिए, बुखार उतर जाएगा जो है। दोस्तों बुखार जो है अगर रेमिटेंट है माने अगर बुखार नहीं उतर रहा है, तो अगर जो है रेमिटेंट फीवर है तब पर भी आप जो है जेलसेमियम 30 पावर की दिन में 2-2 घंटा पर दे सकते हैं, अगर फीवर केस है तो आप 2-3 घंटा पर इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर बुखार इंटरमिटेंट बुखार है तब भी काम कर जाएगा, बुखार उतर जाएगा, और रेमिटेंट बुखार है तभी आपका बुखार उतर जाएगा, जेलसेमियम 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है पैरालिसिस पर, इसके पैरालिसिस में आपको एक यूनिक सिम्टम मिलेगा कि ट्रिमर रहेगा, ट्रिमर माने जो है हाथ में लपका मारा है लेकिन जो आपको ट्रिमर ऐसा होता रहेगा, तो आप जेलसेमियम 30 पावर की या 3x पावर की जो भी पावर मिले लोअर पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दे दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है, ये भी सिम्टम बहुत जेलसेमियम का यूनिक सिम्टम है कि पेशेंट जब सोता है रात में तकिया के ऊपर अपना हेड जो है लगा कर रखता है, उससे उसका ऊंचा चाहिए, माने कुछ आदमी होते हैं बिना तकिया के सोते हैं और कुछ आदमी जो उनको तकिया ऊंचा होना चाहिए, ऐसे पेशेंट को आप जो जेलसेमियम 30 पावर की जो है 3 दिन दे दीजिए, 3-4 दिन, तो उसका ये प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उसका जो है आपको जो है आई सिम्टम का बता दिया है, तो आई सिम्टम में एक चीज़ और है कि इसकी आई लिड्स जो है भारी हो जाती है, इतनी भारी होती है कि पेशेंट जो आँख खोलने में परेशानी पैदा करता है, माने आँख बंद किए से उसको आराम मिलता है क्योंकि आई लिड्स जो है भारी होता है, तो पेशेंट हमेशा जो है आँख बंद करना चाहता है और बड़ा मुश्किल से खुलता है, खोलने में उसको तकलीफ होती है, इसलिए वो अपनी आँख को बंद किए रहता है। ऐसा अगर आँख का सिम्टम मिले जैसे मिनिमम 30 पावर की दिन में 3 बार दे दीजिए, पेशेंट की आई की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है सर्दी पर, इसकी सर्दी जो है बड़ी भयंकर सर्दी हो जाती है और उसके साथ में जो है आपको फीवर हो जाएगा और हेडेक रहेगा, हेडेक जो है अगर हेडेक नहीं है तो जेलसेमियम काम नहीं करेगा, फीवर हो भी सकता है, तो अगर सर्दी के साथ में हेडेक हो और फीवर दोनों चीज़ मिला हुआ, ये अक्सर जो है किसी की सर्दी होती है, तो सर्दी अगर बढ़ गई, सर्दी फीवर में चेंज हो गई और आपको माथा में डल हेडेक है, माने तेज दर्द नहीं है हल्का हेडेक है, तो आप जो है जेलसेमियम 30 4 बूंद करके 3-3 घंटा पर ले लीजिए, आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, आपका फीवर ठीक हो जाएगा और आपका जो है हेडेक ठीक हो जाएगा। इसका अगला सिम्टम है ट्रांसिट पर, अगर आपको ट्रांसिट हो गया है तो इसका आप दवाई कीजिए, जिंदगी में कभी भी आप ऐसा मत कराइए, ट्रांसिट हमारे शरीर में जितने भी इन्फेक्शन है बैक्टीरिया कीटा कीटाणु वो सबको जाने से रुकता है, तो अगर ट्रांसिट का ऑपरेशन आप करवा देंगे तो आपको जो एलर्जी हो जाएगा आपको हर बात में छींक आएगी, अगर आपको ट्रांसिटाइटिस हो गया है और इसका यूनिक सिम्टम है कि ट्रांसिट हो गया है, खाने में तो दिक्कत आपको होगी ट्रांसिट में, इसका दर्द कान तक जाएगा, इसका दर्द अगर आपको ट्रांसिट के साथ में कान तक दर्द पहुंच गया है, आप जो है जेलसेमियम 30 पावर की कुछ दिन दे लीजिए, आपका ट्रांसिट भी ठीक हो जाएगा, आपका ट्रांसिट से जो दर्द रिफर करता है कान तक ये भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है गला पर, आपको गले में लगता है कोई लंप है, कोई माने कोई गांठ जैसा है, अगर गले में अगर लंप फीलिंग हो और जिसको आप निकल नहीं सकते, तो ऐसा सिम्टम अगर मिले तो जो आप जेलसेमियम 30 पावर की 4 बूंद करके दिन में 3 बार दे दीजिए जो है, तो पेशेंट का जो फीलिंग है गले में लंप है वो ठीक हो जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो लंप कहाँ चला गया। अगला सिम्टम है हिचकी पर, जिसको हिक कब बोलते हैं, या जब किसी को हो जाता है ये डायफ्राम के गलत फंक्शन से कभी कभी ये हो जाता है, अगर जो है शाम के टाइम अक्सर ज़्यादा हो, सुबह ठीक रहे दोपहर ठीक रहे और शाम को आपका हिप कब बढ़ जाए, शाम को ही और पता नहीं कब ठीक हो जाए, तो अगर शाम को आपका हिचकी बढ़ती है तो आप जेलसेमियम 200 की एक डोज दे लीजिए, इससे आपका ठीक हो जाएगा, अगर इससे नहीं ठीक होगा तो आप दूसरा डोज भी ले सकते हैं अगले दिन, तो आप 3-4 डोज लगातार ले लेंगे, इसमें आपको लोअर पावर की जरूरत नहीं है, इसमें आपको हाई पावर की चाहिए, तो आप जेलसेमियम 200 हफ्ते में 1 बार या 2 बार करके दे लीजिए, आपकी हिचकी हमेशा के लिए जिंदगी भर के ठीक हो जाएगी।
दोस्तों उसका अगला सिम्टम फीमेल पेशेंट पर है, जब उनको पीरियड का टाइम होता है उनका गला बैठ जाता है, गले से आवाज़ नहीं निकलेगी, ये सब सिम्टम में नहीं है, ये बहुत ही यूनिक सिम्टम है और हर मेडिसिन के सिम्टम नहीं है। तो आप जो जेलसीमियम 30 दिन में 3 बार करके 4-4 मिनट करके लीजिए, आप 4-5 दिन तक लीजिए, पीरियड के टाइम तक लीजिए, आपका गला का जो खराश है गला का खराश ठीक हो जाएगा, गले की आवाज़ चली गई है ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको जेलसीमियम के बारे में बताया, अगर आपको कोई डाउट है या आप कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कॉल नहीं करना है, याद रखिए आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7059613492, 7059613492। तो आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरा एक और चैनल है इंग्लिश में जिसका नाम है वर्ड ऑफ होम्योपैथी, इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, नमस्कार।